गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बच्चों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट दो पार्ट पीछे वाले वीडियो में हो चुके हैं सो ये थर्ड पार्ट है और इसमें हमें स्क्वेंस दिया है नंबर्स का माइनस वन पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू एंड माइनस सेवन पॉइंट टू ये हमें चार टर्म्स दिए हैं और हमें बोला है के इनका कॉमन डिफरेंस चेक करो और अगर ये ए पी है तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालो तो कॉमन डिफरेंस चेक करके देखते हैं पहले इक्वल आना चाहिए तीनों का ओके okay. सो so, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सो फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन ए टू हमारे पास क्या है बच्चों माइनस थ्री पॉइंट टू और माइनस ए वन है माइनस वन पॉइंट टू सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस इंटू माइनस प्लस साइन का ध्यान रखना है बच्चों कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही आना चाहिए अगर कॉमन डिफरेंस में गड़बड़ हो गया तो फिर आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा ओके कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों माइनस टू फर्स्ट वाला सेकंड कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री है हमारे पास माइनस फाइव पॉइंट टू और माइनस ए टू है माइनस थ्री पॉइंट टू अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के साइन से माइनस इन टू माइनस प्लस थ्री पॉइंट टू ओके देन माइनस फाइव पॉइंट टू में से प्लस का थ्री पॉइंट टू माइनस हो जाएगा और फिर बचो हमारे पास बच जाएगा माइनस टू ये भी आ गया कॉमन डिफरेंस माइनस टू अब थर्ड वाला कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं ए फोर माइनस ए थ्री ए फोर है माइनस सेवन पॉइंट टू और माइनस एथ ए थ्री है हमारे पास माइनस फाइव पॉइंट टू अगेन माइनस सेवन पॉइंट टू माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव पॉइंट टू माइनस सेवन पॉइंट टू और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्योंकि फाइव पॉइंट टू छोटा है तो बच जाएगा माइनस टू यस बेटा अब देखो तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे पास इक्वल है सो so, हम लिखेंगे यस yes. These are, क्या है ये इन फॉर्म ऑफ एपी एंड ए पी सो अब हमें क्या निकालनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स देखो फोर तक हमारे पास दी है हमें निकालनी है ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन ए so, फाइव निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास ए फोर टर्म है फोर्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो फोर्थ टर्म क्या है माइनस सेवन पॉइंट टू और प्लस कॉमन डिफरेंस है माइनस टू सो माइनस सेवन पॉइंट टू प्लस माइनस माइनस टू ओके माइनस सेवन पॉइंट टू और प्लस इसमें हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन में दोनों में माइनस का साइन है ओके okay. ये बन गया माइनस नाइन पॉइंट टू वैसे ही सिक्स निकालने के लिए अब जो फिफ्थ टर्म आई है उसमें क्या प्लस करना है कॉमन डिफरेंस ओके इसमें भी वैसे हो जाएगा बच्चों माइनस नाइन पॉइंट टू प्लस माइनस माइनस टू ओके okay. टू एज इट इज आ जाएगा और नाइन और टू इलेवन ये बन गई माइनस इलेवन पॉइंट टू और क्योंकि टू टू का डिफरेंस है बच्चों तो होल वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और वैसे ही ए सेवन ए सेवन के लिए माइनस जो हमारे पास माइनस इलेवन पॉइंट टू सिक्स टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो माइनस इलेवन पॉइंट टू माइनस टू फिर दोबारा से इलेवन में टू प्लस हो जाएगा माइनस थर्टीन सो दे द नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो हमें फाइंड आउट करने को बोली हैं वो क्या क्या है आर लिख सकते हैं हम माइनस नाइन पॉइंट टू कॉमा माइनस इलेवन पॉइंट टू कॉमा माइनस थर्टीन पॉइंट टू ओके ये था बच्चों हमारा थर्ड पार्ट अब है फोर्थ फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सीरीज है वो है माइनस टेन कॉमा माइनस सिक्स कॉमा माइनस टू एंड पॉजिटिव टू ओके फिर हमें गिवन है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है अगेन ए टू माइनस ए वन माइनस सिक्स माइनस माइनस टेन माइनस सिक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस टेन हमारे पास पहले वाला कॉमन डिफरेंस आ गया प्लस का फोर दूसरा चेक करते हैं अब ए थ्री माइनस ए टू ए थ्री है बच्चों हमारे पास माइनस टू और माइनस माइनस सिक्स माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस ये भी आ गया फोर पॉजिटिव फोर देन नेक्स्ट डी नेक्स्ट डी हमारे पास है बच्चों नेक्स्ट डी निकालने के लिए हम करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री ए टू ए फोर है हमारे पास पॉजिटिव टू और माइनस माइनस टू टू माइनस इंटू माइनस प्लस कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों हमारे पास फोर ओके कॉमन डिफरेंस फोर है इक्वल है सबका तो इसका मतलब ये क्या है यस दीज आर इन फॉर्म ऑफ एन ए पी और अगर ये एन ए पी है तो हमें निकालनी है इसकी नेक्स्ट कौन कौन सी फाइव सिक्स एंड सेवन टर्म तो फाइव निकालने के लिए क्या करेंगे जो फोर्थ टर्म है उसमें डी प्लस कर लेंगे फोर्थ टर्म क्या है टू और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है फोर तो ए फाइव आ गया हमारे पास सिक्स फिर निकालेंगे ए सिक्स ए सिक्स में क्या करेंगे जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा फोर उसको प्लस कर लेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी टेन फिर वैसे ही बच्चों हमारे पास ए सेवन ए सेवन निकालने के लिए फिर अगेन जो सिक्स टर्म आई है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे और कॉमन डिफरेंस हमारा सबका फोर फोर है तो ये आ गई सेवंथ टर्म सो दे फोर द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर और क्या क्या हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं सिक्स टेन एंड फोरटीन सो ये था बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ आ गए समझ आ गए हैं बच्चों तो so, प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच